Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant and a CEO coach. मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है आपको एक पावरफुल शक्तिशाली फॉर्मूला या टेम्पलेट दिया जाए जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें, एप्लीकेबल हो, ईजी हो. आज का फॉर्मूला है मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला. कम ऑन, मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला. ये वो सक्सेस है विच कैन एक्चुअली हेल्प यू नॉट टू रिमेन कॉम्पिटिशन बट टू बिकम अ मोनोपोली. नॉट टू रिमेन अ कॉम्पिटिशन बट टू बिकम अ मोनोपोली. कॉम्पिटिशन में आप मार्केट शेयर में स्ट्रगल करते रहेंगे, मोनोपोली में पूरी मार्केट आपकी अपनी होगी. क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है. सबके लिए संभव है. एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, आप हो या मैं हूं, सभी के लिए संभव है. मोनोपोली बनना है, कंपटीशन नहीं बनना है. उसके लिए तरीका क्या है, मैं आपसे फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं. इंप्रूविंग 7/10 इज बेटर देन इंप्रूविंग 3/10. इससे पहले कि मैं आपसे ये फॉर्मूला शेयर करूं, मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. अगर जीवन के किसी हिस्से के अंदर आपको 10 में से 3 मिलते हो और जीवन के एक और हिस्से में आपको 10 में से 7 मिलते हो, तो आपको क्या लगता है, आप कौन से हिस्से को पहले सुधारना चाहेंगे? जीवन के जिस हिस्से में 10 में से 3 आ रहे हैं पहले उसको सुधारेंगे, या जीवन के जिस हिस्से में 10 में से 7 आ रहे हो पहले उसको सुधारेंगे? अमूमन मैं देखता हूं सभी लोग मेरे ट्रेनिंग सेमिनार और प्रोग्राम्स में बोलते हैं जिस हिस्से में 10 में से 3 आ रहे हो पहले उसको सुधारा जाएगा. बट हियर इज द फॉर्मूला, इंप्रूविंग 7/10 इज बेटर देन इंप्रूविंग 3/10. एंड दैट्स द फॉर्मूला. वन मोर टाइम, इंप्रूविंग 7/10 इज फार बेटर देन इंप्रूविंग 3/10. आप सोच रहे होंगे इसमें बहुत कम नंबर आ रहा है, इसको ठीक करो ना, इसमें तो नंबर पहले ही जा रहा है, इस पे क्यों फोकस कर रहे हो? कम ऑन, एंड दैट्स द फॉर्मूला. बस 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 यही मेरा फॉर्मूला है, इधर ही पकड़ना है आपको. उदाहरण के रूप में मेरे अपने जीवन में कुकिंग के मामले में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कुकिंग नहीं करना जानता. मुझे करछी, कढ़ाई, मिर्च मसाला, नमक, इसकी जानकारी नहीं है. इसमें मेरे को 2 मिलेगा 10 में से. अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं लगातार 3 महीने तक बहुत हार्ड वर्क किया और कुकिंग के अपने स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू किया, तो अभी 10 में से 2 मिल रहा है, तो 3 महीने में कहां पहुंच जाऊंगा या 6 महीने में कहां पहुंच जाऊंगा? 10 में से 3, 4, 5, इससे ज्यादा बढ़ाने में मुझे बहुत तकलीफ आएगी, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. सिंस आई डोंट गेट एक्साइटेड, मेरे साइकोफिजिकल नेचर का हिस्सा नहीं है, तो मुझसे वो आसानी से होगा नहीं. लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर, अगर मोटिवेशनल सेमिनार्स के अंदर मुझे 10 में से 7 मिलता, अगर मैं इस पे हार्ड वर्क करूंगा, तो हो सकता है 10 में से 9.5 पे पहुंच जाऊं और 10 में से 10 पे पहुंच जाऊं. दैट मींस इंप्रूविंग 7/10 इज फार बेटर देन इंप्रूविंग 3/10. ये किसी को आउटसोर्स कर दो या एलिमिनेट कर दो, किसी और को दे दो, लेट हिम डू इट, आपको करने की जरूरत नहीं है. अगर देखिए इस एरिया में मैं सुपर स्पेशलिस्ट बन जाता हूं, मैं इस एरिया का मास्टर बन जाता हूं, एंड आई बिकम मास्टर मेंटर ऑफ दिस एरिया. हिंदुस्तान के अंदर जब भी मोटिवेशनल स्पीकर की तलाश होगी, लोग विवेक बिंद्रा को बुलाएंगे. हिंदुस्तान के अंदर क्या, दुनिया भर में जब भी मोटिवेशनल स्पीकर की तलाश होगी, लोग विवेक बिंद्रा को बुलाएंगे. आज भी हमारे 1500 क्लाइंट है दुनिया में, और रोज रोज हमारे क्लाइंट और व्यूअरशिप एंगेजमेंट दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है. मैं दुनिया भर ट्रैवल कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं ट्रैवल? इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुकिंग को इंप्रूव कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर रहा हूं और इन स्किल्स को बहुत बढ़ाते जा रहा हूं. फोकस ऑन द डेप्थ नॉट ऑन द विड्थ. कम ऑन, फोकस ऑन द डेप्थ नॉट ऑन द विड्थ. तो मैं आज अपनी इस स्किल सेट की जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसको और बढ़ा रहा हूं. और हो क्या रहा है, इस प्रकार के काम जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने आउटसोर्स कर दिए या एलिमिनेट कर दिए. मेरा फोकस केवल इसके ऊपर है. गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट यू विल बी नंबर 1. इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट यू विल बी नंबर 1, बट इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक यू विल बी द ओनली 1. लुक एट द पाई चार्ट. इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट यू विल बी नंबर 1, बट इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक यू विल बी द ओनली 1. नंबर 1 के पास कुछ मार्केट शेयर ज्यादा होगा, नंबर 1 के पास 50% मार्केट शेयर होगा, पर अगर आप यूनिक हो गए ना, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ यूनिक बन गए और आपके पास वो स्ट्रेंथ आ गई जो किसी और के पास नहीं है, तो आप यू विल बी द ओनली 1 एंड यू विल एंजॉय द 100% मार्केट शेयर. को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला. वो मोनोपोली आपके पास आ जाएगी, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है. यू आर द कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन, यू आर द कंपटीशन. आपके सामने टिकेगा नहीं कोई दुनिया के अंदर. क्यों? क्योंकि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर गए जो किसी और के पास है ही नहीं. बिग बिगर बिगेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है, यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता. यूनिक केवल एक ही होता है. सच्चाई में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आपसे ज्यादा आपके जैसा और कोई नहीं है. सच्चाई में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आपसे ज्यादा आपके जैसा और कोई नहीं है. अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए. सिग्नेचर एक ही होता है, सिग्नेचर 10-20 तरह के नहीं होते हैं. यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई
करिए और वो आइडेंटिफाई करेंगे, मोनोपोली बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप दूसरों के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोबारा फेसबुक बनाएंगे आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, अगर आप दोबारा व्हाट्सएप बनाएंगे आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। यू गॉट टू ब्रेक द रूल्स एंड चेंज द रूल्स एंड क्रिएट न्यू स्ट्रेंथ। अपनी उस स्ट्रेंथ पे फोकस करिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो इसीलिए जिस एरिया के अंदर लाइफ में 10 में से 3 आते हो छोड़ दो उसको, वो किसी और से करा लो, किसी और से हेल्प ले लो। जिस एरिया के अंदर 10 में से 7.5 या 8 नंबर आ रहे हैं उसके सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ। दुनिया में कोई भी पुकारे तो आप ही को पुकारे कि कहां है ये आदमी, मैं इसी को ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि आपके इसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं। इसको बढ़ाना आसान है, इसको बढ़ाना बहुत आसान है और आप इसके सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। डिमांड हो जाएगी आपकी। फोटोकॉपी की कीमत नहीं होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। रजिस्ट्री जो करोड़ों रुपए की है, अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो उसकी कीमत है, फोटोकॉपी तो 2 रुपए की होती है। फोटोकॉपी की कीमत नहीं, फोटोकॉपी मत बनो। यू आर बॉर्न ओरिजिनल, डोंट डाई लाइक अ कॉपी। यू आर बॉर्न ओरिजिनल, डू नॉट डाई लाइक अ कॉपी। स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन व्हेन यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन व्हेन यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। यू कैन स्टैंड आउट। चक्कर क्या है? आप 10 में से 3 जिसमें आ रहे हैं ना, बचपन से आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि जिस एरिया में फेल हो रहे हो उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, छोड़ दो। अब वो तरीका चला गया। आज करियर किसी भी एरिया में बन सकता है। आज कुछ भी जानते हो आप उसमें करियर बन जाएगा। आज इवॉल्व हो चुकी है मार्केट, डिजिटलाइज मार्केट के अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है वही करियर हो जाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर यही बनना पड़ेगा। आज माहौल बदल रहा है। 3 वाले को छोड़ के 7 ढूंढिए कहां पे है, 7.5 ढूंढिए कहां है, 7.25 कहां है, उसको 10 में से 10 पे ले आइए। दुनिया में आपके बराबर और कोई नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला यही है। इंप्रूविंग 7/10 इज फार बेटर देन इंप्रूविंग 3/10। थैंक यू वेरी मच। मैं लगातार ये वीडियोस इन टेम्पलेट्स के साथ में, इन फॉर्मूलास के साथ में इसीलिए बनाता हूं ताकि आपके लिए इन वीडियोस को आपके जीवन में इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए। आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। अगर आपको पता है, ढूंढिए, सोचिए और अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी वो कौन सी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जिसको आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, आपकी वो कौन सी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, आपकी वो कौन सी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। वो फोकस करके आप अपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट करेंगे। अभी लिखिए, अभी लिखेंगे तो आपको सोचने में समय नहीं लगेगा। आपके एक एक कॉमेंट को मैं पढ़ता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और अगर इस वीडियो से किसी का फायदा होता हो उसको जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।